So welcome back guys to my channel and actually आज थोड़ा बाइक से घूमने का प्लान है मेरा बिकॉज मैंने लगाया इसमें एक्रो पॉवी का एग्जॉस्ट और गाइस एक्चुअली इस जो एग्जॉस्ट है इसकी एक ख़ास बात क्या है कि अगर आप इसको नॉर्मल रखते हैं मतलब जो इसका 1-2 RPM पे अगर आप रखते हैं इसको तो ये बाइक बहुत ही कम आवाज़ करती है बट जैसे ही इसको आप 4 RPM क्रॉस करते हैं उसके बाद जो इसका आवाज़ होता है आभास व्यत है अभी देख रहे मतलब 4 RPM क्रॉस करने के बाद भाई साहब एक तो बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो चुकी है और माइलेज का तो पता नहीं मुझे अब तक बट यस आवाज़ जो है वो अनोइंग नहीं है मतलब बहुत ही स्मूथ साउंड है इसका मतलब अब जो है मैं इस एग्जॉस्ट के साथ आराम से लॉन्ग टूर कर सकता हूँ और तो और गाइस हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये तो एग्जॉस्ट कितने की पड़ी कहाँ से मंगवाया तो गाइस ये जो एग्जॉस्ट है मैंने मंगवाया है मेरा एक फ्रेंड है गोवा में उससे मंगवाया है और पड़ा है मुझे 1.35 lakhs। अब बहुत लोग सोचते हैं कि भाई साहब इतना पैसा कहाँ से आता है इसके पास तो गाइस मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि मेरी जो मेजर जो मेरा इनकम है वो मेरा बाइक्स पे ही जाता है और कुछ पे नहीं जाता है मतलब मुझे मतलब कुछ और भी इन्वेस्ट करना अच्छा मतलब पसंद ही नहीं आता है तो मैंने मतलब बहुत दिन से प्लान था मेरा कि एक्रा लगवाओ तो SC से क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि लॉन्ग ट्रिप्स में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे कि बहुत ही ज़्यादा साउंड था उसका दैट्स वाइज लॉन्ग में प्रॉब्लम आ रहा था मुझे और स्टॉक एग्जॉस्ट लगाने के बाद गाइस बाइक जो है और भी ज़्यादा भारी हो जाती है तो ये एक्रा एक ऑप्शन था तो बस चलो वो तो आई थिंक गाइस बाइक की जो पिकअप है वो भी बड़ी है बिकॉज एक्रा पॉवी लगवाने के बाद आपका आई थिंक सो कि अराउंड 5 BHP जो है वो इंक्रीज कर जाता है और चूंकि ये लाइट वेट भी है मतलब बस 5 किलो की ये एग्जॉस्ट है ये बस और जो स्टॉक वाला जो एग्जॉस्ट है वो था आपको 15 किलो का आता था मतलब 10 किलो जो है वो वेट रिडक्शन हो चुका है तो बस अभी कुछ टाइम के बाद मैं अपने घर पे रहूँगा अभी और हाँ गाइस एक बहुत जो बात है जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को क्या मैं नेक्स्ट कम से कम 3 महीने तक तो नॉर्मल खाना तो नहीं खा पाऊँगा वो 5.5 पैसे एग्जॉस्ट में जो डाल दिए बहुत एक्सपेंसिव शॉक है ये तो जितने की एक ऑलमोस्ट एक R15 जो है वो आती है उतने का मैंने एग्जॉस्ट डाला है इसमें R15 आती है 1.80 की एंड मैंने एग्जॉस्ट डाला है इसमें 1.35 का तो वही है बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ बस ये बता रहा हूँ आपको एंड गाइस इस टाइप्स के जो सुपर बाइक्स हैं अपने पैसे से खरीद के चलाने में टाइम लगता है मेहनत लगती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मेरे ग्रुप में जितने भी बाइकर्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे ने खुद से कमा करके ही बाइक्स लिए
तो गाइस टाइम लगता है, टाइम दीजिए और मेहनत कीजिए एंड देन फुलफिल योर ड्रीम्स। उसके बाद जो है ना गाइस, अगर आप खुद के पैसे से अगर आप अपना ड्रीम पूरा करते हैं, उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, मतलब वो अलग वाली फीलिंग आती है। जैसे मेरा डैड ने मुझे FZ दिलवाई थी, सबसे पहली जो बाइक थी मेरी वो FZ थी, तो उस टाइम खुश हुआ था मैं। बट उसके बाद से जब मैं, मतलब मैंने बाइक लेना स्टार्ट किया, उसके बाद जब ये जो मैंने अपनी ड्रीम बाइक जो ली, मतलब अलग टाइप की खुशी थी। और इसको मैंने खुद अर्न किया, तो खुद से अर्न कीजिए एंड देन बाय। तो गाइस सबसे पहले चलेंगे अभी NH30, जहाँ से मुझे मेरे घर की कीज़ मिलेंगी एंड देन वहाँ के बाद मैं घर चला जाऊँगा। तो गाइस अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और गाइस ये रहा मेरा कैफ़े NH30 है, जो कि लोकेटेड है कृष्णा निकेतन के पास, तो यहाँ पर भी कभी कभी आए खाने के लिए। भैया